जन सरोकार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम मीरा मेघमाला कादंबनी से उनकी कुछ कविताएं सुनेंगे। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नमस्ते सर, मैं हिंदी की मेरी एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है रोशनी बनकर। जब मुझे पता चला कि तुम मुझ में रोशनी बनकर बह रहे हो, मैं एक खिड़की बनी। समय सरकते सरकते अपने छोटेपन का एहसास होने लगा था मुझे, और शर्म से मुरझाई मैं सलाखों को उतार कर शीशा बन गई। अब तुम कड़कती बिजली बनकर तोड़ देना मुझे, तुम्हारी रोशनी को अखवारने की खातिर सीना खोल कर लेटा हुआ एक मैदान बनना चाहती हूँ मैं। तुम्हारी रोशनी को अखवारने के खातिर सीना खोल कर लेटा हुआ एक मैदान बनना चाहती हूँ मैं। ये रही मेरी पहली कविता। एक कविता है, इसका शीर्षक है घर से भागी औरत। आधी रात में भरी बरसात में घर से भागी औरत अब कैसी दिखती है, कैसे खाती है, किस तरह पानी का गिलास उठा कर पीती है, किस किस के साथ वो दिखाई देती है, किस रंग के कपड़े पहनती है, कितना गाढ़ा लिपस्टिक लगाती है वह अपने होठों पर, और किस तरह मुस्कान से अपना चेहरा सजाती है, दौड़ते दौड़ते कब और कैसे लड़खड़ाते हैं उसके पैर, इतनी गाड़ी है सबकी नजर। उस औरत ने भी अब तक अपना मुंह नहीं खोला। किस तरह से वो अपना बदनाम चेहरे को लज्जा के आंचल से छुपाते छुपाते अपनी जान मुट्ठी में लेकर भागती थी, और किस तरह से उसकी अपनी ही दिल की धड़कन की आवाज से उसकी रूह तक कांप उठती थी, ये भी उसने अब तक नहीं बोला। मेरी तीसरी कविता कहां मुनासिब है। युद्ध काल में सिर्फ और सिर्फ युद्ध की ही बात होगी। युद्ध काल में सिर्फ और सिर्फ युद्ध की ही बात होगी, और युद्ध के बाद यकीनन बात हार और जीत की। युद्ध के बाद यकीनन बात हार और जीत की। तुम सोच कर बताओ जरा, युद्ध काल में हो या युद्ध के बाद, युद्ध भूमि से अपहरण होती लड़कियों का जिक्र करना कब और कहां मुनासिब है। युद्ध भूमि से अपहरण होती लड़कियों का जिक्र करना कब और कहां मुनासिब है। मेरी एक और कविता मौत की खबर। किसी की मौत की खबर ना दो मुझे, रहने में दो उन्हें जिंदा मेरे दिल के किसी कोने में। न जाने कितने लोगों को मरते देखा है मैंने मेरे अंदर, दुनिया में उनके जीवित रहते हुए भी। पैदा होते ही पल पल मरने लगता था आदमी, झूठा कहीं का इसी को जिंदगी कहता रहा। कत्ल कर दिया है औरों की तरह मैंने भी कई बार खुद को, मगर कभी कभी किसी ना किसी का प्रेम जान डाल देता है मुझने। सुना है मरे हुए को मारने की बड़ी साजिश रच रहा है कोई, मगर यहाँ लाशें भी बड़ी इत्मीनान से इंतजार कर लेती हैं उनको जिंदा करने वाले कोई फरिश्तों की। मेरी एक कविता उसका शीर्षक है वह खाना बनाती है। औरत की कहानी है, इसे पढ़ना चाहती हूँ। वह खाना बनाती है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का भोजन,
वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती है शुद्ध और स्वादिष्ट। समय समय पर अनाज सामान हो या ना हो, वह खाना बनाती है। बेटे की पसंद, बेटी की नापसंद, पति की रुचि, सब कुछ याद रखकर वह खाना बनाती है। त्योहारों के दिन हो या मेहमान आए हो, ज्यादा से ज्यादा नमूनों का ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट, कम से कम समय में वक्त बना देती है। वह खाना बनाती है। कोई किसी जल्दी में रसोई की तारीफ ना करे या किसी परेशानी में खाने में संकट ढूंढे, फिर भी हंसते मुस्कुराते वह खाना बनाती है। हर दिन सबके बाद ही खाना खाने पे बैठना पड़ता होगा। कभी कभी कल का बचा बासी खाना खाना पड़ता होगा। एक ही निवाला मुंह में डाला कि नहीं, किसी काम की याद दिलाकर कोई उसे उठा देता होगा। ऐसी बातों को दिल पर कभी ना लेते हुए वह खाना बनाती है। छुट्टियों का नाम उसने ना कभी सुना ना कभी देखा, वह खाना बनाती है। कल भी, आज भी और आगे भी यूं ही वह खाना बनाती है। ये एक सुदीर्घ तपस्या की तरह वह खाना, वह रसोई के बारे में ही सोचती है, रसोई के बारे में ही पढ़ती है, टीवी पर रसोई के कार्यक्रम ही देखती है, सब सीखती है, सब बनाकर परोसती है, वह खाना बनाती है। वह तंदुरुस्त हो या बीमार, आखिरी सांस तक वह खाना बनाती है। तुम भी वक्त वक्त पर खाया पिया करो। यह भूल कर भी कभी ना पूछता हो, ऐसे शख्स के लिए वह खाना बनाती है। कविता है, मैं सांस ले रही हूँ। मैं अब तक सांस ले रही हूँ, लंबी और लंबी और लंबी। जब तक हवा पर भी कर नहीं लगाते, तब तक थोड़ी सी राहत। बसंत में यूं ही जी चाहे गा सकते हैं क्या कोयल? क्या उन्हें किसी ने फरमाया नहीं मुंह दबा कर बैठने को अब तक? अच्छे दिन क्यों नहीं आए? लोग अब तक शिकायत लेकर बैठे हैं क्यों? कोई तो दिखाइए उन्हें, गोबर में हीरे, गोमूत्र में सोना, विसर्जन करती हैं गौ माताएं इन दिनों सड़कों पर। मतदाता नाम की दुल्हन से कभी पूछा, सुहाग रात पर यूं नीले पड़े हैं क्यों तेरे होंठ? बेहद शर्मा गई, दुपट्टे से दाग छुपाते हुए चहचहाई, चींटे ने काटा। सालों बाद आज भी फिर से किया वही सवाल, तो चिल्लाने लगी, क्रूर जानवर, आज उसका पूरा बदन हो चुका है नीली। हुआ सो हुआ, अब तुम यूं जले पे नमक मत छिड़काओ, खुले सूखे में सुलगते प्यासे को टीवी लगाकर कोई नीले नीले झील मत दिखलाओ। घर असबाब कंधों पर लाद कर पैदल कहीं निकल पड़े उन लोगों के सामने बुलेट ट्रेन का वर्णन मत किया करो। कर्ज की छोटी सी रकम के लिए फांसी पर लटक रहे बंदे के सामने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिए महान शख्सियतों की यशोगाथाएं मत सुनाया करो। ये एक कविता युद्ध के बारे में है। उस कविता का शीर्षक है सरहद पर। तुमने कभी युद्ध को देखा? एक युद्ध निरत योद्धा के दिल में चलता है। सरहद पर बंदूकों से चली हर एक गोली छलनी कर देती है योद्धाओं की पत्नियों का सीना। एक योद्धा हर बार घर लौटता है
ऐसे खुश हो जाता है जैसे पहली बार अपनों को देख रहा है, और हर एक बार घर से सरहद को निकलता है तब अपनों को ऐसे देखता है जैसे अंतिम बार उन्हें देख रहा है। जंग के माहौल में नन्हे मुन्ने बच्चे भी हथियारों से खेलने लगते हैं। जब जब एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है मेरा बाप कहाँ है, योद्धाओं की पत्नियां कैलेंडर दिखाती हैं या फिर आसमान का तारा। जब जब एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है मेरा बाप कहाँ है, योद्धाओं की पत्नियां कैलेंडर दिखाती हैं या फिर आसमान का तारा। युद्ध में पाने का नाम है खोना और खोने का नाम है पाना। सोच लेना अशोक के भीतर असल में क्या था। सरहद पर खड़े योद्धा को सामने और पीठ पीछे दोनों तरफ दुश्मन ही दुश्मन। और यह बात जिसने भी लिखी वह देशद्रोही कहलाएगी। एक कविता है, ये हमारी जाति व्यवस्था जो है वहाँ पिछड़े जातियों के दुख के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में जरा मतलब इस पर रोशनी डालने की मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। शीर्षक है, कौन सी आग बुझी है अब तक, ये कविता का शीर्षक है। दावाग्नि इसे देखने के लिए गांव से बाहर निकलकर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दूरबीन में आंखें गड़ाकर देखने की दुस्साहस की जरूरत नहीं। बस आंखें खोल दो, धधकती ज्वालाएं चुभने लगेंगी। जलकर राख होता जंगल, जंगल में खड़ा सांवला लड़का, और उस सांवले लड़के की आंखों में जमी आंसुओं की बूंदों में उस सनातन पेड़ के एक पार्श्व में दहकती आग की शिखाएं और एक और पार्श्व में लाल लाल चमकती कोंपले तैरती परछाइयों का विकट परिहास। अब उस सांवले लड़के के सामने तीन सवाल और एक ही उलझन। पहला सवाल, आग लगाने वाले हाथों की क्रूरता। दूसरा, दहकती आग में थरथराती तड़पती भयत्रस्त चीखे। तीसरा, जल रहा अताह दावानल। और उलझन ये है जिसमें वो फंसा है, इन तीनों सवालों में से किस सवाल का जवाब सबसे पहले ढूंढा जाए। दोस्त, धर्म ग्रंथों में या फिर इतिहास के पन्नों में जितना चाहे उतना खोज लो तुम, और कह दो बहते आंसुओं से वो कौन सी आग बुझी है अब तक। दोस्त, धर्म ग्रंथों में या फिर इतिहास के पन्नों में जितना चाहे उतना खोज लो तुम, और कह दो बहते आंसुओं से वो कौन सी आग बुझी है अब तक। लड़की मेरी एक सबसे पसंद की कविता है। ओ परिमलद बेटा, ये परिमलद बेटा का मतलब होता है परिमल का मतलब एक महत्ता पर्वत। परिमलद बेटा, प्रिय सखी सुवासिनियरे मत्तु सखियर प्रिय सखरे, ಈ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಮಳದ ಬೆಟ್ಟದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದರಸಿ ಹೊರಟ ನನ್ನ ಕಂಡು ನೀವು ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಗುವುದೇನು? ನನ್ನ ಪರಿಮಳದ ಬೆಟ್ಟದ ಬೇರುಗಳು ಲಾವಂಚದವು, ಬೆಟ್ಟದೆದೆಯೊಳಗೋ ಪ್ರವಹಿಸುವವು ಅಮೃತವಾಹಿನಿಗಳು. ನೆತ್ತಿಯ ತುಂಬ ನೀಲಕುರುಂಜಿ, ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಸೆದ ಕಮನೀಯ ಜಾವಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಮರಗಳೆಂಬ ಮರಗಳೇ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುವು. ನಿರಿದಾಗೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರೆಳೆದು ಕುರುಳು ಕೊರಳು ಕಟ್ಟಿ ನಾಭಿಯೊಳಾಡುವ ಮಲಯ ಮಾರುತ ಮಂದ ಮಾರುತ ಗಂಧ ಹೀರಿ ಸಮ್ಮೋಹಿತಳಾಗಿ ಪರಿಮಳದ ಬೆಟ್ಟವ ತುಸು ತುಸುವೇ ಏರುವಲ್ಲಿ ಬಕುಲದ ಮರಗಳಿಂದ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡಿ ನಿಂಪು.
ನನ್ನೆದೆಯಸಿಹಿನೋ ವಹಿತವಾಗಿ ನೀಟುವುದು. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಧೂಪದ ತರುಗಳು ಹಾಲು ಮಡ್ಡಿಯು ಸರಿ ನನ್ನ ಮಧೋನ್ಮತ್ತ ಎದೆಯ ಸುಡುಗಂಡದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಪರಿಮಳದ ದಿವ್ಯ ಧೂಮ ನಾಲ್ದೆಸೆಗೂ ಪಸರಿ ಉನ್ಮತ್ತ ಚಿತ್ತಳಾಗಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಪ್ರಿಯ ಸಖಿಯರೇ, ನೀವೀಗ ನೆರಳಿನೊಳಗೂ ಬೆವರಿ ಬವಳುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಖರಿಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಗಂಧ ಪೂಸಿ ಬಿನ್ನಾಣಗೈಯುವುದು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಮಳದ ಬೆಟ್ಟವೇ, ನಿನ್ನ ಹೊರಮೈಯ ನಿತ್ಯ ಹಸುರ ನವರು ನುಣುಪಿನೊಳಗೆ ಬೆರಳಾಡಿಸುತ್ತಾ ಮೈಗೆ ಮೈಯೊರಗೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಾ ಬೆಚ್ಚ ನೆದೆಯೊಳಗೆ ಹೆರಳ ಚೆಲ್ಲಿ ಮುಖ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೇರುತ್ತಾ ಮತ್ತಿನ ರಕ್ಕ ಸೋನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ನಡೆದ ದಾಪುಗಾಲ ತುರುಸು ನಡೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಏರಿದಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಏದುಸಿರು ಏರಿದಷ್ಟು ದಣಿವರಿಯದ ದಾಹ ಅದರಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಯ ತರತರ ಅದುರು ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಮಳದ ಬೆಟ್ಟದು ತುಂಗ. ಆ ಬೆಟ್ಟದು ತುಂಗ ಶೃಂಗದ ಕೋಡುಗಲ್ಲ ನೆತ್ತಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಹನಿದು ತೊಟ ತೊಟ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ಮಧುರ ಜೇನು ನನ್ನಿ ತರ್ಷಿತ ತುಟಿಗಳ ದಾಹ ತನಿಸಿ ತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುವುದು. ಆಹಾ ನನ್ನ ಪರಿಮಳದ ಬೆಟ್ಟವೇ, ನೀಲಿ ಹೂಗಳ ಹೊತ್ತ ಹಸುರೆ, ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊರಳಿನಿಂತೆ ನಿನ್ನ ಅಮೃತ ಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಧೂಪ ಧೂಮದ ನಡುವಿಂದ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಮಳದ ಬೆಟ್ಟದು ತುಂಗ ಶೃಂಗದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಖಿಯರೇ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರ ಪ್ರಿಯ ಸಖರೇ, ನೀವಿನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಹಳೆಯ ಪಾರ್ಕಿನ ಮರಗಳ ಬುಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಗ ಹರವಿ ಮಲಗಿ ಮುಲುಮುಲು ಮುಲುಗುತ್ತೀರಿ. ಸನಿಹ ಕೇತಕಿಯ ಬನದೊಳಗಿಂದ ಕಾಳೋರಗಗಳು ಸಳ್ಳನೆ ಸರಿದು ಹೊರಳುತ್ತವೆ. ಮೈಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೀಗ ಕಾಳೋರಗ ಕಳಚಿಬಿಟ್ಟ ಪೊರೆಯಡರಿ ಯಾವ ಪರಿಮಳದ ಬೆಟ್ಟದ ಕುರುಹು ಗೋಚರಿಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ ಸುವಾಸಿನಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಖರ ಕೂಡ ನನ್ನತ್ತ ಬೆರಳು ತೋರಿ ನಕ್ಕಂತೆಲ್ಲ ನಿರುಸುಯುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಮಳದ ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ಹುದುಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಏಕ ಔರ್ ಮೇರಿ ಪಸಂದ್ ಕಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಮೈ ಪಡ್ನಾ ಚಾಹತಿ ಹೂ. ಇಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ ಗಾಳಾ, ಶೀರ್ಷಕ ಗಾಳಾ. ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಬಾ ಮೀನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೀಗ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರದು ಎಂದೂ ಬಾರದು. ಒಂದು ಗಾಳವನ್ನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗನ್ನುವಿರಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಕು ಬಿದಿರ ನೀಲ ಕೋಲೊಂದು, ಕೋಲಿಗೊಂದು ಬೀನೆಯ ದಾರ, ದಾರದ ತುದಿಗೊಂದು ಗಾಳ. ಇಷ್ಟಾಗಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗುಲೀಯದ ಹಾಗೆ ಮೇಲೊಂದು ನವಿಲ ಗರಿಯ ಬೆಂಡು, ತೇಲಲೀಯದ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೊಂದು ತೀಸದ ಗುಂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹದ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕದು, ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮರೆತರಾಗದು. ಹಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಂತ ಮೀನನ್ನು ಎರೆಹುಳು ಮಣ್ಣ ಮಿಡತೆಯನೋ ಅತ್ತ ಸಾಯದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೋಡದ ಹಾಗೆ ಮೀನು ನುಂಗುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಿಲವಿಲ ಮಿಡುಕುವ ಹಾಗೆ ಇರುಳ ಇರಿವ ಗಾಳದ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸುರಿದು ಗಾಳವ ನೀರಿಗೆಸೆದು ತಣ್ಣಗೆ ಕೂತು ಕಾಯಬೇಕು ಮಾಯಕರ ಹಾಗೆ. ಗಾಳವೆಂದರೆ ನುಂಗಿದೊಡನೆ ಸರಾಗ ಒಳಗೆ ಒಕ್ಕಲೊಂದು ಚೂಪು ಮುಳ್ಳ ಕೊಕ್ಕೆ, ಕೊಕ್ಕೆಗೆರಡು ಹಿಮ್ಮುಖ ಕವಲು ಮುಳ್ಳು ಕಕ್ಕಲೆಣಸಿದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಹಾಗೆ. ಮೀನು ಗಂಟಲಿರುವ ಗಾಳದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕು ವಿಲವಿಲ ಪರಿತಪಿಸಿ ತಟವಟಿಸುವ ಸರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಗಾಳದ ಕೋಲ ಸರಕ್ಕನೆತ್ತಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬೀಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೀನ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸುವಿರಿ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಟಲಿರುವ ಗಾಳದ ಯಾತನೆಯೊಳಗೆ ತಟವಟಿಸಲು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಟಲಿರುವ ಗಾಳದ ಯಾತನೆಯೊಳಗೆ ತಟವಟಿಸಲು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ?